वहीं दिल्ली में 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली बीजेपी के यूथ नेता सुनील यादव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की और आम आदमी पार्टी से पिछले 5 साल का हिसाब मांगा। इस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के करावल नगर से पूर्व विधायक रहे कपिल मिश्रा भी शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा। कल ये प्रदर्शन किया गया विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इस तरह से बीजेपी ने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल पिछले 5 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, इसको लेकर हिसाब मांगा गया है और कहा है कि दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार को अब जवाब देना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम है, सुनील यादव जी के नेतृत्व में ये कैंपेन पूरी दिल्ली में चल रहा है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग आए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के यूथ के साथ, युवा के साथ धोखा किया गया है, उसको एक्सपोज करने का कैंपेन है ये। और आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली के युवाओं से वादा किया गया था 20 कॉलेज दिल्ली में खोले जाएंगे, एक भी कॉलेज नहीं खुला है। 8 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, केवल 300 नौकरियां 5 साल में दी गई है, वो भी टेम्परेरी नौकरियां दी गई है। 500 स्कूल खोलने का वादा किया गया था, वाईफाई का वादा किया गया था। तो ये युवाओं के साथ धोखा है, और इससे भी बड़ा धोखा जो दिल्ली के युवाओं के साथ हुआ है, युवाओं ने देश के नाम पर वोट दिया था और देश के साथ गद्दारी करने वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कल जो उन्होंने किया है नागरिकता बिल का विरोध, और जिस प्रकार से रोहिंग्या घुसपैठियों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात की है, युवा के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसको माफ नहीं किया जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के आतंकवादियों को बचाने का काम भी केजरीवाल की सरकार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है वो धरना कर रहे हैं, वो बेवजह नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस तरीके से कल और लोकसभा में सोमवार के दिन पारित तो हो गया है बिल, क्या ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ जाता है? आपने ईसाई को रखा है, हिंदू को रखा है, सब धर्मों को रखा है। अगर मैं इस बात को साफ तौर पर बयां करूं, गैर मुस्लिम तमाम लोगों को आपने इसमें रखा हुआ है, और इस तरीके से आपका साफ पता चलता है मुस्लिम विरोधी है। इस तरीके से आप NRC में विफल हुए, क्योंकि 19 लाख लोग जब NRC की लिस्ट में आए उसमें 14 लाख हिंदू थे। अब उसकी जो तुम